जी अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ शहजाद जावेद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी में। जी हाँ, आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं पुलिस की जो वो भारी नफरी को लिबर्टी पर पहुँचा दिया गया है। प्रिजन वैन्स मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो प्रिजन वैन्स मौजूद है। पुलिस की जो है वो भारी नफरी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो एक सेशन कोर्ट का फैसला आया है जिसमें जज दिलावर ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल और 3 साल के लिए जो कैद की सज़ा सुनाई है, उस फैसले के तहत इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लिबर्टी में। तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने, तहरीक इंसाफ की यूथ विंग्स ने, स्टूडेंट फेडरेशन ने, तमाम तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज की जो वो है कॉल दे चुके हैं। इसी तहत जो है वो इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पे पुलिस की जो है वो भारी नफरी को जो है वो तैनात कर दिया गया। हमें एसपी अमारा शराजी भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि इस पूरे काफले को लीड कर रही हैं, और पुलिस की जो है वो भारी नफरी को जो है वो लिबर्टी में तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी ऐसा मामला जिसमें कोई एहतजाज, कोई भी रुकावट, परेशानी का जो बाइस है, वो जो एहतजाजी मुजाहिरीन है वो ना बना सकें। और पुलिस की जो है वो प्रिजन वैन्स भी यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया या ऐसा कोई भी मामला होते हैं तो वो जो गिरफ्तारियाँ हैं वो बर वक्त उनको ज़ेर लाया जाए और जो भी मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त जैसा कि आपको बताते चले कि इमरान खान को सेशन जज ने सेशन कोर्ट में 5 साल के लिए नाअहल और 3 साल के लिए सज़ा सुना दी है, जिसमें इमरान खान को लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। देखते हैं वक्त क्या बताता है, मगर इस वक्त जो लिबर्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर प्रिजन वैन्स पहुँचा दी गई हैं, पुलिस की भारी नफरी को जो है वो लिबर्टी पर तैनात कर दिया गया है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक भरपूर मुजाहरे की कॉल दी गई है, जिसमें लॉ फॉरम के लोग, वकील लोग, जिसमें तमाम ये लोग मौजूद हैं, उनको ये कहा गया है कि वो निकलें। वो इस गिरफ्तारी को नहीं मानते, वो कहते हैं कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कल अदम करार देनी चाहिए। वो फैसला बिल्कुल एक तरफा है, उस फैसले को वो लोग नहीं मानते। इस बारे में भरपूर जो है वो मुजाहिरे की कॉल दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी प्रिजन वैन्स जो है वो लिबर्टी चौक में पहुंचा दी गई है, ताकि अगर कोई भी मुजाहिरीन निकले उस गिरफ्तारी के खिलाफ तो उनको बर वक्त गिरफ्तार करके जो है वो कार्रवाई को ज़ेरे अमल में लाया जा सके। जी।